हाय फ्रेंड, मैं चंद्रकेश आपके अपने यूट्यूब चैनल द टाइम्स एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए हिंदी के एक बेस्ट सीरीज जो कि आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जैसे कि UPSI, SSC, GD, RO, ARO, स्टेट। दोस्तों, जैसे कि स्टेट का एग्जाम हो, अदर स्टेट का एग्जाम हो, तो इसी पर्पज़ से हम आपके लिए लेके आए हिंदी। दोस्तों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकें। तो दोस्तों, चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक पर, वर्णमाला पर। तो दोस्तों, बात करते हैं वर्णमाला की, और दोस्तों वर्णमाला में बात करते हैं ध्वनि की। तो ध्वनि आखिर किसे कहते हैं? मौखिक भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जो सुनाई दे लेकिन दिखाई ना दे, उसे कहते हैं ध्वनि। तो ध्वनि की डेफिनेशन क्या है कि मौखिक भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जो सुनाई दे लेकिन दिखाई ना दे। जैसे दोस्तों, अचानक कोई अगर बर्तन गिर जाए तो उसमें से आवाज़ होती है, तो आवाज़ दिखाई नहीं देती, केवल क्या करते हैं अपने को सुनाई देती है, उसे कहते हैं ध्वनि। तो ध्वनि की डेफिनेशन क्या बनेगी? मौखिक भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जो सुनाई दे लेकिन दिखाई ना दे, उसे कहते हैं ध्वनि। और ध्वनि में अगर दोस्तों हम बात करी जाए भाषा की, तो भाषा कई प्रकार की होती है। भाषा होती है तीन प्रकार की। नंबर एक मौखिक भाषा, नंबर सेकंड लिखित भाषा, नंबर थर्ड सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा कैसे कहते हैं? दोस्तों, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ वो कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा। और दोस्तों, ये जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ वो कौन सी भाषा हो गई? लिखित भाषा। और जो मैं आपको संकेतों के माध्यम से समझा रहा हूँ वो क्या है? सांकेतिक भाषा। जैसे छोटे प्राइमरी लेवल में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वो किसके माध्यम से पढ़ाया जाता है? संकेतों के माध्यम से। तो ज़्यादातर जो बच्चे सीखते हैं वो किसके माध्यम से सीखते हैं? संकेतों के माध्यम से, तो सांकेतिक भाषा। तो दोस्तों, ध्वनि में बात की गई, ध्वनि की, ठीक है। और उसमें भाषा की अगर कोई पूछा जाए तो भाषा क्या प्रकार की होती है? तीन प्रकार की, मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा। तो दोस्तों, जो लिखित भाषा होती है, जो कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, वो क्या होते हैं सभी दोस्तों? क्या होते हैं वर्ण। तो दोस्तों, तुम्हें पता है वर्ण का निर्माण होता है किससे होता है? या तो वो स्वर होगा या क्या होगा? व्यंजन होगा। दोस्तों, या तो स्वर होगा या तो क्या हो गया? व्यंजन होगा। तो दोस्तों, जो भी वर्ण होगा, या तो स्वर होगा या तो व्यंजन होगा। आखिर दोस्तों, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण की अगर डेफिनेशन देखी जाए, जैसे लिखित भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े ना किया जा सके, उसे कहते हैं वर्ण। कई बार दोस्तों पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण या ध्वनि? जैसे दोस्तों, मैंने धन अ दोस्तों, ये क्या है? वर्ण। तो दोस्तों, वर्ण की डेफिनेशन क्या है? वह मौखिक भाषा की या लिखित भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े ना किया जा सकें, उसे क्या कहलाते हैं? वर्ण। जैसे दोस्तों, ये आ है, इसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, तो ये क्या बन गया? वर्ण। दोस्तों, जब वर्ण की बात अगर जैसे ये बराबर क्या बन गया? आम। क्या बन गया शब्द? कौन सा बन गया? आम। तो दोस्तों, जो वर्णों को अगर सार्थक क्रम में लगा दिया जाए तो किसका निर्माण होता है? शब्द का। किसका निर्माण होता है? शब्द का। जैसे आधन आधन माधन अ, तो इस किसका निर्माण हुआ? आम, अर्थात ये शब्द बन गया। अगर वर्णों को सार्थक क्रम में लगा दिया जाए तो किसका निर्माण होता है? शब्द का। तो शब्द जैसे दोस्तों, तालाब में कमल खिलता है दोस्तों, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी अभी क्या है? शब्द हैं। अगर दोस्तों मैं इसे अंडरलाइन कर दूं तो ये क्या बन गया? अब दोस्तों, ये शब्द नहीं रहा, क्या बन गया? ये पद। तो दोस्तों, शब्द और पद एक ही बात होती है। अगर किसी शब्द को अंडरलाइन कर दिया है तो बन जाता है पद। तो दोस्तों, इसे पद भी कहते हैं। शब्द को क्या कहते हैं? पद। अगर शब्द को अंडरलाइन कर दिया है तो क्या बन जाता है? पद। अगर दोस्तों शब्दों को सार्थक क्रम में लगा दी जाए, अगर शब्दों को व्यवस्थित कर दिया जाए, जैसे तालाब में कमल खिलता है, ये सभी क्या हैं? शब्द हैं। अगर इन्हें सार्थक क्रम में लगा दिया जाए, ये सार्थक क्रम में है, तो दोस्तों ये किसका निर्माण हो रहा है? वाक्य का। तो शब्द से क्या बनता है दोस्तों?
वाक्य, सबसे क्या बनता है दोस्तों वाक्य। जैसे तालाब में कमल खिलता है, ये क्या दोस्तों एक वाक्य है। और दोस्तों वाक्य, वाक्य के बाद आते हैं भाषा, भाषा का निर्माण पूछ लेता है, भाषा का निर्माण किससे होता है वाक्य से। तो भाषा कैसे कहते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति को भाषा कहते हैं। मान लिया हम किसी को बात समझा रहे हैं या किसी से विचार विमर्श कर रहे हैं, तो वो किसके संकेत किसके माध्यम से करते हैं, वाक्य के माध्यम से। और वाक्य के वाक्य से किसका निर्माण होता है, भाषा का। तो विचारिक विचारों की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं, दोबारा देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला में बात की थी हमने ध्वनि की, मौखिक भाषा की वे सबसे छोटी इकाई जो सुनाई दे लेकिन दिखाई नहीं दे उसे वर्णमाला के वो ध्वनि कहते हैं। और अगर कोई पूछे भाषा के प्रकार की होती, भाषा तीन प्रकार की होती, नंबर एक मौखिक, नंबर दो लिखित, नंबर थर्ड सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो मौखिक भाषा, नंबर सेकंड लिखित भाषा जो कुछ भी लिखा हुआ है वो लिखित भाषा, और नंबर थर्ड सांकेतिक भाषा। ठीक है दोस्तों, जो लिखित भाषा होती है वो उसमें किसका यूज होता है, वर्ण का। और दोस्तों वर्ण किससे मिलकर बनते हैं, स्वर या व्यंजन से। तो दोस्तों वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं, लिखित भाषा की वे सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े ना किया जा सके उसे कहते हैं वर्ण। और वर्ण से मिलकर क्या बनता है दोस्तों, शब्द। पूछ लेता है शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को शब्द कहते हैं। ठीक है, अगर वर्णों को व्यवस्थित कर दिया जाए, अगर सार्थक क्रम में लगा दिया जाए, तो किसका निर्माण होता है, शब्द का। और शब्द को अगर दोस्तों जैसे तालाब में कमल खिलता है, अगर इसको अंडरलाइन कर दिया जाए, तो किसका निर्माण होता है, पद का। तब कहते हैं पदबंध। और पद से क्या बनता है दोस्तों, वाक्य। और वाक्य को जैसे हम किसी को कोई भाषा समझा रहे हैं तो किसके माध्यम से समझाते हैं, वाक्य से। या मैं तुम्हें जो भी चीज़ समझा रहा हूँ किसके माध्यम से समझा रहा हूँ, वाक्य के, अर्थात मैं भाषा बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें वर्णमाला की, तो अगर आखिर अगर पूछ लेता है वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जैसे तुम्हें पता है दोस्तों जी, अपनी वर्णमाला है पूरी क्या है, वैज्ञानिकता के आधार पर बनाई हुई है। वैज्ञानिकता क्या, जैसे कोई कावर्ग का है, जैसे क ख ग, तो कावर्ग में रखा हुआ है। ठीक है, अगर वर्णों को सार्थक क्रम में लगा दिया जाए तो क्या कहलाता है, वर्णमाला। जैसे दोस्तों वर्णमाला, जैसे अगर माला आए, अगर माला को प्रो दिया जाए, जैसे जैसे ये माला है, तो इससे क्या किसका निर्माण होता है, माला का। ऐसे ही दोस्तों जो वर्णमाला होती है, जो वर्णमाला होती है उसका निर्माण या तो स्वर प्लस व्यंजन। तो वर्णमाला का निर्माण किससे होता है, स्वर या व्यंजन से। तो परिभाषा पूछ लेता है वर्णमाला कैसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकें। दोस्तों जो हमारा मेन टारगेट है वो UPSI और SSC GD है। दोस्तों यकीन मानिए, हमारे यहाँ हिंदी पढ़ने के बाद आपको कहीं से हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूरे बटे पूरे नंबर ला सकते हो। जैसे जैसे UPSI हो गया दोस्तों, 40/40 नंबर लाने की गारंटी मैं देता हूँ फुल। और SSC GD 25/25, UP+ 37/37। और जैसे अदर स्टेट के एग्ज़ाम हो गए, जैसे जूनियर स्टूडेंट, यूपी जूनियर स्टूडेंट हो गया, उसमें लगभग 70 क्वेश्चन आते हैं, 70/70। तो दोस्तों हम आपके लिए कराएंगे जीरो लेवल से हिंदी की तैयारी। आपको किसी चैनल और किसी चैनल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।